आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी आईक्यू पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे अपने आखिरी परमवीर की, मेजर रामास्वामी परमेश्वरन। दोस्तों 21 शूर वीरों को परमवीर चक्र से नवाजा गया है और आज हम 21वें शूरवीर की बात करने वाले हैं, रामास्वामी परमेश्वरन। तो आज हम इनकी बात करेंगे दोस्तों, क्या कंट्रीब्यूशन था, क्यों इनको परमवीर चक्र मिला देखेंगे। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। सेट अंडरस्कोर रीकनेक्ट मेरा फेसबुक पेज है, सिद्धांत अग्निहोत्री के नाम से मेरी फेसबुक प्रोफाइल है, दोनों ही जगह पर चक्र पीडीएफ भेज सकते हैं, सवाल भी पूछ सकते हैं। साथ ही साथ स्टडी आईक्यू के टैबलेट और पेन ड्राइव कोर्सेज हर एग्जाम्स के लिए आते हैं, आप इन नंबर पर कॉल करिए, वेबसाइट विजिट करिए। दोस्तों अगर परमवीर चक्र की बात करें तो हमने 21 लेक्चर देखे, आपने इस सीरीज को बहुत प्यार दिया, मैं बहुत ज्यादा आभारी हूं। तो परमवीर चक्र की बात करें तो भारत का ये हाईएस्ट मिलिट्री डेकोरेशन अवार्ड है, ठीक है, सेल्फ सैक्रिफाइस, गजब की वीरता के लिए ये दिया जाता है और ये इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी और इंडियन आर्मी तीनों को दिया जाता है। किसी भी तरीके से आप आर्मी से एसोसिएटेड और डिफेंस से एसोसिएटेड और आपने कमाल का काम किया, बहादुरी का काम किया, तो आपको परमवीर चक्र मिलना तय है। अब तक ये 21 योद्धाओं को दिया गया और सबकी बायोग्राफी देखी है दोस्तों, 14 बार इसको मरणोपरांत दिया गया है और 7 बार जीते जीते, ठीक है। उसके बाद ये 20 बार इंडियन आर्मी को मिला है और 1 बार ये इंडियन एयरफोर्स को मिला है, ठीक है। निर्मल जीत सिंह सेखौन, उनकी बायोग्राफी हमने देखी थी, भारत के फ्लाइंग ऑफिसर थे, शहीद हो गए थे वो पाकिस्तानियों से लड़ते लड़ते, भैया उनके 6 एयरक्राफ्ट थे, अकेले हरा दिया था जाके उन्होंने, तो देख लीजिएगा वो अवेलेबल है बायोग्राफी, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। तो अगर हम मेजर रामास्वामी की बात करें दोस्तों, तो एक चीज बताता हूं, परमवीर चक्र अवार्ड की जो ये सीरीज है ये समाप्त हो गई है, लेकिन हमने इसमें क्या क्या देखा। हमने 1999 का कारगिल वॉर देखा, हमने उसको पूरा अच्छे से समझा और यहाँ पे संजय कुमार को देखा हमने, योगेंद्र सिंह यादव, कैप्टन विक्रम बत्रा, मनोज कुमार पांडे, उन सबकी बायोग्राफी देखी और वो कारगिल वॉर पूरा हमारा हो गया, पूरा कंप्लीट हो गया, 1999 का वॉर देखा। उसके बाद हमने 1948 में जो पाकिस्तानियों ने इन्फिल्ट्रेट कर दिया था भारत पे, कबायली के रूप में आए थे, वो पूरी हमने कहानी देखी, ठीक है। जादूनाथ सिंह हो गए, मेजर सोमनाथ शर्मा जो कि भारत के पहले परमवीर योद्धा थे, और भी हमने बायोग्राफीज देखी। उसके बाद हमने 1962 की लड़ाई देखी, ठीक है ना, 1962 में जो परमवीर योद्धा थे उनको देखा, ठीक है, तो चाइना से वॉर हुआ था। फिर हमने 1965 में जो वॉर हुआ था भारत और पाकिस्तान का, भारत उसमें भारत का अपर एंटा, तो वो देखा हमने, ठीक है। वहां पे हमने अर्धशीर, तारापोर हो गए, उन सब की बायोग्राफी देखी, अब्दुल हमीद देखी, उनकी बायोग्राफी देखी। फिर हमने 1971 वॉर को पूरा कवर किया, ठीक है, अल्बर्ट इक्का हो गए, अरुण खेतरपाल हो गए, उन सब की बायोग्राफी देखी, ठीक है। और आज हम अपने आखिरी योद्धा की बायोग्राफी देख रहे हैं, रामास्वामी परमेश्वरन। दोस्तों 1987 में क्या हुआ था, क्या हो रहा था बेसिकली, 1987 की बात करें, हालांकि एक चीज और बता दो कि हमने 1961 में गुरबचन, लेफ्टिनेंट गुरबचन सिंह सलारिया, उनकी भी बायोग्राफी देखी थी दोस्तों, वो गए थे कांगो, कांगो में जो यूनाइटेड नेशन की पीस कीपिंग फोर्स गई थी, ठीक है, वहां पे वो शहीद हुए थे, कमाल का, बहुत ही गजब की शूरवीरता दिखाई थी। और बाना सिंह की बायोग्राफी देखी थी, जो ऑपरेशन मेघदूत हुआ था, जो सियाचिन ग्लेशियर पे पाकिस्तान का कब्जा हो गया था और बाना सिंह अपनी टुकड़ी लेके गए थे, सबको खदेड़ दिया था, तो ये दो भी हैं, ठीक है। तो 1987 में क्या हो रहा था, देखिए दोस्तों मेरे कई लेक्चर आए हैं, मेरा ऑपरेशन पू मलाई पे एक लेक्चर है, आप देख लीजिएगा, ठीक है, ऑपरेशन पवन पे लेक्चर है, आप देख लीजिएगा। अब ये क्या है ऑपरेशन पू मलाई, ऑपरेशन पवन, अरे भैया श्रीलंका में जो सिविल वॉर हुआ था ना, LTTE, राइज ऑफ LTTE पे भी मेरा एक लेक्चर है, तो टोटल 4 लेक्चर है, आप देख लीजिएगा, आपको सब कुछ पता चल जाएगा। श्रीलंका में सिविल वॉर था दोस्तों, क्या था, मैं चलिए बैकग्राउंड में बताता हूं कि रामास्वामी परमेश्वरन को क्यों मिला था परमवीर चक्र। देखिए दोस्तों 1948 से पहले श्रीलंका जो है वो ब्रिटिश के कब्जे में था, ठीक है। अब यहां पे दो लोग थे, एक तो तमिल थे, ठीक है, और एक सिन्हालीस थे, ये थे मेजोरिटी माइनॉरिटी में, तमिल्स जो थे वो माइनॉरिटी में थे, लेकिन सिन्हालीस जो थे वो मेजोरिटी में थे। लेकिन दोस्तों ये जो तमिलियंस थे ये बहुत समृद्ध थे, काफी अमीर थे। अब देश आजाद होता है, श्रीलंका ब्रिटिश की पकड़ से छूटा, तो यहां पे जब श्रीलंका ब्रिटिश की पकड़ से छूटा
तब यहां पे सिनलीज मेजॉरिटी में सरकार इनकी बनेगी। अब जब सिनलीज की सरकार बनी तो यहां पे जितने भी प्रावधान लाए वो सब तमिलियंस के खिलाफ थे, क्योंकि दोस्तों 80% उस समय कॉलेज में स्टूडेंट्स तमिलियंस थे, ज्यादा सरकारी जॉब तमिलियंस के पास थी, इंजीनियर साइंटिस्ट तमिलियंस थे, बहुत बड़ी बड़ी पोस्ट थी, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 20% ही तमिलियंस थे, बाकी सब सिनलीज थे। तो माइनॉरिटी को इतनी बड़ी पोजिशन कैसे मिल सकती है? तो यहां पर सिनलीज ने सीधा इनके खिलाफ एक कोल्ड वॉर छेड़ दिया कि तुमको तो हम छोड़ेंगे नहीं, तुम्हारे सारे राइट छीन लेंगे। उसके बाद दोस्तों हम देखते हैं कि कॉलेजेस में एंट्री बंद कर दी गई 1970 आते आते, बहुत प्रॉब्लम्स हो गई थी। तब वहां पे बहुत सारे इंसर्जेंट ग्रुप्स आए, बहुत सारे इंसर्जेंट ग्रुप्स का उदय होता है। वेल्लू पिल्लई प्रभाकरन जो कि बाद में LTTE का लीडर बना, और उमा महेश्वरन जो कि जब शुरुआत में पहले इसको टाइगर्स बोला जाता था, बाद में LTTE बोला गया, ठीक है ना, लिट्टे बोला गया, ठीक है, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम। तो यहां पे LTTE का उदय होता है। बहुत सारे दोस्तों इंसर्जेंट ग्रुप थे, लेकिन इनमें सिर्फ और सिर्फ LTTE ही बचा रहा, ठीक है, सबसे ज्यादा प्रभुत्व इन्हीं का था। अब इन्होंने क्या किया, ये बोल रहे थे कि हमको एक पूरा तमिल रीजन चाहिए, हमको अलग देश चाहिए। तो श्रीलंका दोस्तों, ठीक है, ये जो नॉर्थ का रीजन है और ये थोड़ा ईस्ट और साउथ का इस तरीके से रीजन है, मैं मैप नहीं लगा पाया, आई एम सॉरी। तो ये नॉर्थ का जैसे श्रीलंका इस तरीके से है, ठीक है ना, इस ये है श्रीलंका, मेरी आर्ट अच्छी नहीं है, थोड़ा सा आप इसमें कॉम्प्रोमाइज कर लीजिएगा, ठीक है। ये जो छोटा सा रीजन है और ये वाले जो रीजन है, ठीक है, ये नॉर्दर्न और ये थोड़े ईस्ट के जो रीजन है, ये बोल रहे थे कि यहां पे तमिल्स की संख्या ज्यादा है तो ये हमको दे दो। अब भैया नॉर्थ पार्ट की जो कैपिटल है, वैसे श्रीलंका की कैपिटल कोलंबो है, लेकिन नॉर्थ पार्ट की जो कैपिटल है वो है जाफना, और जाफना कोलंबो से कम नहीं है, लेकिन ये बहुत सालों तक दोस्तों, बहुत सालों तक ये मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट की वजह रहा। LTTE ने जाफना ने में पूरा अपना सेंटर बना लिया था, पूरा सेंटर, वो सब यहीं से ऑपरेट करते थे, और लिट्टे सबसे खतरनाक ऑर्गेनाइजेशन बन के उभरी। इनके पास अपनी नेवी हो गई, इनके पास एयरक्राफ्ट थे, भैया इन्होंने राजीव गांधी हो गए और उसके बाद जो प्रेसिडेंट थे श्रीलंका के, मैं नाम भूल गया हूं, क्या नाम था उनका, उनको तो बम से उड़ा दिया था। तो दो यहाँ पे बहुत बड़े हेड ऑफ स्टेट्स को उड़ाया यहाँ पे, ठीक है, और उसके बाद इनकी जो राणतुंगा थी, प्राइम मिनिस्टर थी शायद, उनको भी मारने की कोशिश की थी, ठीक है। तो यहां पे हम देखते हैं कि भैया LTTE का बहुत ही खतरनाक तरीके से उदय हुआ। अब भारत क्या कर रहा है, देखिए दोस्तों, जो सिनहलीज हैं, वो सिनहलीज, ये जो आर्मी है श्रीलंकन, ये LTTE से, लिट्टे से लड़ रही है, और भी इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं उनसे लड़ रही है। तो यहां पे भारत तो शुरू में लिट्टे की मदद कर रहा था, ठीक है, क्योंकि भैया ये तमिलियंस है ना, तो पूरी दुनिया के जहां जहां तमिल है पूरी दुनिया में, वो सब लिट्टे की मदद कर रहे हैं, तभी तो फंडिंग आ रही है। लेकिन बाद में ये पता चल गया कि ऐसे तो चलेगा नहीं भैया, तो यहां पे राजीव गांधी की जब सरकार आई तो उन्होंने फिर प्रेशर बनाया यहां पे श्रीलंकन गवर्नमेंट पे कि आप कुछ करिए, ठीक है, आप जल्दी से कुछ करिए, क्योंकि ऐसे चलेगा नहीं, आप इंसर्जेंट ग्रुप, ये लिट्टे को टेबल पे लेके आइए, ठीक है, जितने भी इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं उन सबको टेबल पे लेके आइए, कुछ समझौता करिए, ठीक है। तो इसके लिए भारत ने श्रीलंका से साइन किया इंडो श्रीलंकन अकॉर्ड 1987 में, तो इंडो श्रीलंकन अकॉर्ड साइन किए। अब इसमें बहुत सारे प्रावधान थे दोस्तों, और यहां पे तमिलियंस को एक थोड़ा सा रियायत देने की बात की और श्रीलंका ने मानी, लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात यह थी कि भारत की तरफ से एक फोर्स जाएगी जिसको बोला गया इंडियन पीस कीपिंग फोर्स, ये भारत की तरफ से श्रीलंका जाएगी और ये श्रीलंका में तब तक रहेगी जब तक हालात सामान्य नहीं हो जाते, श्रीलंका ने ये मान ली। अब भारत की फोर्सेस जब वहां पे गई तो पहले तो सब कुछ ठीक हुआ, लेकिन दोस्तों भारत की फोर्सेस एक ऐसे देश में जा रही है जहां उनको कुछ भी नहीं पता, आड़ा तिरछा लेफ्ट राइट कुछ भी नहीं पता है। लिट्टे यहां से 10 साल से ऑलरेडी लड़ रहा था, ठीक है, वो बहुत ताकतवर हो गए, तो नॉर्दर्न रीजन्स में लिट्टे को सारी जानकारी है, तो ये इतने माहिर हो गए थे, तभी तो ये कैप्चर करना बहुत मुश्किल हो गया था इस एरिया को, और ये इतना आसान नहीं था, ठीक है, बहुत मुश्किल हो गया था। यहां पे दोस्तों इनके पास इतने ज्यादा हथियार थे, पता नहीं चलता था कि कहां से गोली लगेगी, स्नाइपर्स बैठा देते थे ये, ठीक है, बहुत ही मुश्किल था ऑपरेशन जो भारत की सेना ने की है, ठीक है। अब यहां पे दोस्तों इंडियन आर्मी वहां पहुंच गई, कुछ नहीं पता लेकिन पहुंच गई, लेकिन उसके बावजूद हमारी सेना ने कमाल का काम किया। अब ये होने लगा श्रीलंका में कि भैया हमारा मैटर है, तुम बाहर से सबको क्यों बुला रहे हो, ऐसा तो नहीं चलेगा, बिल्कुल भी नहीं चलना है। तो यहां पे दोस्तों बहुत सारे ऑपरेशन होते हैं, और इसी ऑपरेशन एक लड़ाई में मेजर रामास्वामी शहीद हो गए थे, और उसी लड़ाई को हम देखेंगे। तो दोस्तों
बैकग्राउंड क्लियर पूरा, बहुत बढ़िया। तो अगर हम रामास्वामी परमेश्वरन की बात करें तो इनका जन्म 13 सितंबर 1946 बॉम्बे में हुआ था, ठीक है। केएस रामास्वामी और मिसेज जानकी के ये बेटे थे। इनकी शुरुआती पढ़ाई दोस्तों मुंबई में ही हुई और उसके बाद इन्होंने अपना ग्रेजुएशन किया और फिर इन्होंने आर्मी ज्वाइन की, ठीक है ना। तो ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई में इन्होंने ज्वाइन की और 1972 में ये भारत में कमीशन हुए, ठीक है। 1972 में इनको महारेजिमेंट ऑफ इंडियन आर्मी, यहां पे इनको कमीशन किया गया। लेकिन दोस्तों आपको बता दूं कि कमीशन तो किया गया, लेकिन अब 1980 आते आते बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने लगी, ठीक है। 1980 आते आते श्रीलंका में स्टेबिलिटी बढ़ने लगी, तो भारत ने अपनी IPKF, ये मैं बता चुका हूं अभी, श्रीलंका में भेजा। अब दोस्तों ये घटना है 25 नवंबर 1987। इससे पहले इंडिया 1984 में ऑलरेडी ऑपरेशन पूमलाई कर चुका था। पूमलाई मतलब नॉर्दर्न जाफना पे यहाँ पे फूड पैकेट्स डाले गए थे, ठीक है, क्योंकि पूरी तरीके से यहाँ पे तमिलियंस की हालत खराब कर दी थी श्रीलंकन आर्मी ने। तो भारत ने सपोर्ट करने के लिए जो एरोप्लेन से यहाँ पे फूड पैकेट्स डाले थे, ठीक है, ताकि तमिलियंस को सपोर्ट मिल सके। उसके बाद दोस्तों एक और ऑपरेशन किया गया, ऑपरेशन पवन। ऑपरेशन पवन अब तब तक इंडो श्रीलंकन एकॉर्ड साइन हो चुके थे। तो ऑपरेशन पवन जो किया ये 7 अक्टूबर से शुरू हुआ, ठीक है, अक्टूबर में ये ऑपरेशन पवन चला। तो ऑपरेशन पवन क्या था कि जाफना के एरिया पे, इस एरिया पे हमको अपना कंट्रोल लेना है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो चुकी थी, यहाँ पे बहुत ज्यादा दिक्कतें कर रहे थे जो LTTE वाले से। तो बहुत भयंकर लड़ाई हुई है, मेरा एक सेपरेट वीडियो है दोस्तों उस पे, ऑपरेशन पवन पे, आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो यहां पे बहुत दिक्कत हुई दोस्तों, भारत के कमांडोज को जाना पड़ा, ठीक है, और यहां पे भारत इतना परेशान हो गया था कि उसने सब कुछ काट दिया, सब सप्लाई काट दी, पूरा ब्लैकआउट कर दिया, अंधेरे में लड़ाई हो रही थी। सोचिए पूरे शहर में अंधेरा, सिर्फ और सिर्फ गोलियों की आवाज, कितना भयानक होता होगा। लेकिन भारतीय सेना ने कमाल का काम किया और ऑपरेशन पवन वॉज सक्सेसफुल। लेकिन तब तक श्रीलंका में ये आवाज उठ चुकी थी कि अब भारत को भगाओ, ये बिल्कुल ऐसा चलने वाला नहीं है, अब इनको हटाओ, हमारा मैटर हम सुलझा लेंगे, हम देख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों मेजर रामास्वामी परमेश्वरम जो थे ये जाफना में ही थे और वहां पे ही एक एरिया था कांठा डाइक, ठीक है। तो वहां पे ऑपरेशन करके जब वापस आ रहे थे तो रात में वहां के लड़ाकों ने इनकी रेजिमेंट पे अटैक कर दिया, बहुत प्रॉब्लम, अटैक कर दिया दोस्तों। 30 सोल्जर्स थे उस समय मेजर रामास्वामी के साथ, और रामास्वामी जो थे वो कमांडर थे। इन्होंने हिम्मत नहीं हारी, कोई प्रिपरेशन नहीं, इन्होंने तुरंत अपनी हिम्मत को गैदर किया, अपनी रेजिमेंट को गैदर किया। 10 सोल्जर्स वो लेके आगे गए, बाकी 20 को उन्होंने रिजर्व में रखा। अभी आगे गए, बहुत फायर आ रहा था दोस्तों, पता नहीं था, स्नाइपर छुपा के रखे हुए थे दोस्तों, पेड़ के ऊपर स्नाइपर छुपा के रखे थे, इंसान देख ही नहीं पाता है। तो ये बहुत कहां से, तो रामास्वामी ने क्या किया, क्योंकि वो जंगलों वाला पूरा एरिया था, वो नीचे झुक गए और पेड़ों की आड़ में छांव लेते हुए, ताकि दिख ना जाए स्नाइपर को, वो धीमे धीमे आगे बढ़ते गए। और यहां पे एक स्नाइपर की एक गोली आती है, उनके लेफ्ट रिस्ट में लगी, बहुत दर्द हुआ, लेकिन उसके बावजूद वो पीछे नहीं हटे, आगे ही बढ़ते गए और धीमे धीमे करके वो उनके पास पहुंच गए। जितने भी लड़ाके थे वहां पे, हैंड टू हैंड कॉम्बैट हुई दोस्तों, और यहां पे उनके चेस्ट में गोली लग गई थी दोस्तों, मेजर परमेश्वरन के एक चेस्ट में गोली लगी, एक रिस्ट में गोली लगी, एक और गोली छू के निकली, लेकिन उसके बावजूद इन्होंने हिम्मत नहीं हारी, वो लड़ते रहे, गोली लगने के बावजूद लड़ते रहे। और जब तक उन्होंने आतंकियों को मार नहीं दिया, उन्होंने चैन की सांस नहीं ली, ठीक है। हालांकि इस पूरे वाक्य में इनकी भी जान चली गई दोस्तों, शहीद हो गए। अरे भैया, उनके पास AK-47 ग्रेनेड्स, एक्सप्लोसिव और बहुत ही ऑटोमेटेड गन्स थी, लेकिन उसके बावजूद अकेले बिड़ गए परमेश्वरन। और जब अपने कमांडर को, तब तक हालांकि मेजर परमेश्वरन ने अपना काम कर दिया था जब ये शहीद हुए थे, लेकिन जब सोल्जर्स ने अपने कमांडर को शहीद होते हुए देखा, वो इतने ज्यादा गुस्सा आ गए कि जितने भी वहां पे 15 से 20 लड़ाके छुपे थे, सबको उन्होंने मार दिया और बहुत सारे वेपन जो है वो रिकवर किए। तो ये गजब की बहादुरी मेजर परमेश्वरन ने दिखाई, हैंड टू हैंड कॉम्बैट हुई, गोलियां चली, और इसके लिए इनको भारत का हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड परमवीर चक्र से नवाजा गया, ठीक है। तो ये चीज है, तो मेजर रामास्वामी परमेश्वरन को इसलिए परमवीर चक्र दिया गया था, कमाल का इन्होंने काम किया था दोस्तों। शायद मैं बता रहा हूं दोस्तों, आप इसको रियलाइज ना कर पाए, लेकिन जरा सोच के देखिएगा, बहुत ही मुश्किल का काम था, ठीक है। तो ये चीज, इनके कुर्बानी को हम कभी नहीं भूलेंगे दोस्तों। और फाइनली ये सीरीज एंड हो गई है, 21 जाबाजों की बायोग्राफी अवेलेबल है, जरूर देखिएगा। तब तक खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।